गाइस मैं हूं प्रिंस डिजाइन टीम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले कि एक पाइप का यूज करके जो है एक बल्ब जलाने वाले हैं। चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। नमक को डालेंगे एक पाइप में, इसमें से नमक को जो है निकाल लेते हैं। नमक की निकालने के बाद जो है नमक को निकालने के बाद जो है इसमें डाल देंगे। इस प्रकार से पाइप में डाल देंगे, इसके अंदर जो है पानी अब डालेंगे। इसके अंदर जो है पानी डालेंगे इस प्रकार से। पानी डालने के बाद जो है ये जो है नमक का वायर बन गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में जो है एक बल्ब है, इसमें जो है तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है एक बल्ब का तार है, एक जो है मेन बोर्ड का तार है। बल्ब का तार ये इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद जो है अब इसमें जो है कहीं पर भी जो है वायर का सप्लाई नहीं है। इसमें जो है केवल और केवल ये जो है पाइप का ही जो है वायर है। अब इसमें जो है करंट सप्लाई करते हैं, देखते हैं और ये जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। देख सकते हैं गाइस की ये जो है बढ़ रहा है, लाइट जो है जल रहा है। ये होल्डर खराब होने की वजह से जो है इसको ये बल्ब का तार ये इसमें डालने के बाद जो है अभी इसमें जो है कहीं पर भी जो है वायर का सप्लाई नहीं है। इसमें जो है केवल और केवल ये जो है पाइप का ही जो है वायर है। अब इसमें जो है करंट सप्लाई करते हैं, देखते हैं और ये जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है कि नहीं। देख सकते हैं गाइस कि ये जो है बढ़ रहा लाइट जो है जल रहा है। ये होल्डर खराब होने की वजह से जो है इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी सब जो है क्लियर है। ये देख सकते हैं कि ये बढ़ रहा है लाइट, देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल हो गया है। इसमें जो है केवल और केवल पानी और जो है नमक का सोल्यूशन बनाकर तो ये पाइप में डाला हुआ है। और ये पाइप का उस समय जो है देखे थे कि यहाँ पे जो है दो पाइप का वायर को यूज करके जो है बॉल को जलाए थे, तो उसमें जो है सफलतापूर्वक जो है जल गया था। अब यहाँ पे जो है एक पाइप का वायर बनाया यहाँ पे जो है। अब इसमें जो है इससे करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये बल्ब जो है जलता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर है अलग अलग और इसके अंदर जो है कोई भी वायर का अटैचमेंट नहीं है। तो प्लीज़ यार रियल वीडियो इसे देखिए और इसे घर पर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जो बहुत खतरा हो सकता है। तो हम लोग जो है इसे पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं, सेफ्टी को ध्यान रखते हैं। और गाइस उस समय जो है देखे थे कि यहाँ पे जो है दो पाइप का वायर को यूज करके जो है बॉल को जलाया था, तो उसमें जो है सफलतापूर्वक जो है जल गया था। अब यहाँ पे जो है एक पाइप का वायर बनाया यहाँ पे जो है। अब इसमें जो है इससे करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये बल्ब जो है जलता है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो वायर है अलग अलग और इसके अंदर जो है कोई भी वायर का अटैचमेंट नहीं है। तो प्लीज़ यार रियल वीडियो है इसे देखिए और इसे घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जो बहुत खतरा हो सकता है। तो हम लोग जो है इसे पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और ये जो है इसमें जो है तार को जो है पाइप के अंदर में डाल दिए और इसमें पाइप के अंदर में डालने के बाद जो है इसमें जो है करंट को सप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यह जो है बल्ब बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और यह जो है इसमें जो है तार को जो है पाइप के अंदर में डाल दिए और इसमें पाइप के अंदर में डालने के बाद जो है इसमें जो है करंट को सप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यह जो है बल्ब बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो चलिए इसमें करंट को सप्लाई करते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बल्ब जल उठा है यहाँ पे, मतलब कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट जो है सफल हो गया है यहाँ पे। और इसमें जो है केवल और केवल पाइप का ही यूज किया गया है और इसके अंदर में जो है नमक और पानी का सोल्यूशन मिलाया गया है यहाँ पे।
तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना कमाल की बात है कि यहाँ पे हम लोग का ऐसे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया जो है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बल्ब जल उठा है यहाँ पे, मतलब कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट जो है सफल हो गया है यहाँ पे। और इसमें जो है केवल यहाँ पे जो है केवल और केवल पाइप का ही यूज़ किया गया है, और इसके अंदर में जो है नमक और पानी का सोल्यूशन मिलाया गया है यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना कमाल की बात है कि यहाँ पे हम लोग का ऐसा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हो गया। आजकल मिलते क्या है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसे घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम